हाँ जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? देखो, क्या चीजें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाती हैं? ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। कहते जस्ट वेट, इलेक्शन कैन बी होल्ड इन मैनी वेज। कहते इलेक्शंस कई तरीके से हो सकते हैं। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं, पर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना बेटा, जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है नहीं, वो लोग भी इलेक्शंस करवाते हैं। तो हम कैसे फर्क करेंगे भी ये कंट्री डेमोक्रेटिक है और ये कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कहते हमने वैसे पहले बहुत एग्जांपल्स डिस्कस कर ली इसके बारे में, कर ही ली पिछले चैप्टर्स में, कि कहाँ पे इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, और कहाँ के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, वो चीज़ें हम कर चुके। चलो हल्की सी रिकॉल ले लेते हैं। रिकॉल में क्या है, हमने पहले पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, कि हर किसी को चूज करने का मौका मिले। इसका मतलब ये था कि हर किसी को वन वोट मिले और हर वोट की एक वैल्यू हो। याद करो, ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी कि जिन कंट्रीज में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है वो कंट्रियों में इलेक्शन डेमोक्रेटिक, जहाँ ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो होता था, फीजी कंट्री करा था हमने, सऊदी अरेबिया कंट्री करा था हमने, जहाँ पे ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता वहाँ इलेक्शंस तो होते थे, बट वो हम कौन से इलेक्शंस कहेंगे? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे वो। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पेज स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट करो। हाँ जी, सेकंड है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। लोगों के पास कुछ चुनने को हो तो सही। पार्टीज और कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्री हों इलेक्शंस लड़ने के लिए, और वो लोगों को रियल चॉइस दें, उनमें कुछ डिफरेंस हो, ताकि लोग देखें कि हमें किसे चूज करना है। ठीक है, और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि इलेक्शंस होने चाहिए रेगुलर इंटरवल्स के बाद। 5 साल बाद है किसी देश में, मैक्सिको में 6 साल बाद थे, किसी कंट्री में कितने साल बाद, मतलब कोई ना कोई रेगुलर इंटरवल हो जिसके बाद इलेक्शंस हो। ठीक है, कुछ सालों के बाद, ये तीसरी चीज हमने करी थी। फोर्थ हमने पढ़ा था कि कैंडिडेट जो प्रेफर हुआ है, जिसको लोगों ने चुना है, ठीक है, शुड गेट इलेक्टेड। वही कैंडिडेट जीते हैं जो लोग प्रेफर करते हैं, जिसे कोई फॉल्स मीन्स का इस्तेमाल करके या डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कोई और कैंडिडेट ना जीत जाए, वही जीते जिसे लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हों और लोगों को का चुना हुआ कैंडिडेट ही जीते। तो ये सारी कुछ बातें थी जो हमें डिफ्रेंशिएट करना सिखाती हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन में और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। ये पिछले बारी हमने पढ़ लिया था, पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि विल अप्लाई दीज कंडीशन टू इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री। हम इन सारी चीज़ों को हमारे कंट्री में हमने देखा कि हमारे कंट्री में ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अपना एक क्वेश्चन आ जाता है सबके सामने, वो ये है कि इज इट गुड टू हैव पोलिटिकल कॉम्पिटिशन। कहते जब ना इलेक्शन होते हैं, अभी आप आजकल भी देख रहे होंगे पंजाब का माहौल, तो एक पार्टी दूसरे पे कीचड़ उछालती है कि वो लीडर अच्छा नहीं है, तो दूसरी पार्टी पहली पार्टी पे कीचड़ उछालती है, तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? तो क्या ऐसा होना चाहिए भी? ये पता ही है कि जो अगर पॉलिटिक्स है, अगर इलेक्शंस होने हैं, तो एक पार्टी दूसरी पे कीचड़ उछालेगी ही, दूसरी पार्टी को बुरा बोलेगी ही, उसके बारे में बैड वर्ड्स बोलेगी ही, तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? क्या ज़रूरत है ये करवाने की? तो ये मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगी इस टॉपिक में भी, ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता ही क्यों है और अगर होता है तो इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, तो देखो, कहते इलेक्शंस आर दस, इलेक्शंस में होता क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन। कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे ज़्यादा कंपटीशन, वैसे तो कंपटीशन बहुत, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी कंपटीशन है, एक लीडर का दूसरे लीडर के साथ भी कंपटीशन है, एक एरिया के लोगों का दूसरे एरिया के लोगों के साथ भी कंपटीशन है, बट सबसे मेन कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे। ठीक है, तो कहते हैं उनमें कंपटीशन, जिसमें कई सारे कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो कंपटीशन होता है कि कौन जीतेगा। अगर कंपटीशन हो ना तो इलेक्शंस ही बेकार है। अगर आप सपोज करो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा है, फिर तो इलेक्शंस का कोई फायदा ही नहीं। खुद ही समझ सकते हो कि इलेक्शंस का बेनिफिट भी तभी अगर कंपटीशन है। ठीक है, तो कहते क्या ये अच्छा है कंपटीशन होना? क्योंकि इलेक्शंस में जब कंपटीशन होता है ना, तो उसकी कई डीमेरिट्स है बेटा। पहली सबसे बड़ी डीमेरिट, सेंस ऑफ डिसयूनिटी। लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमारे ही देख लो,
गली के ये पांच घर इस पार्टी के साथ हैं, ये वाले पांच घर उस पार्टी के साथ हैं, ये वाले पांच घर उस पार्टी के साथ हैं। डिसयूनिटी होगी ना, एक तो डिसयूनिटी होगी, ठीक है। उसके बाद फैक्शनलिज्म आ गया। फैक्शनलिज्म मतलब हर लोकेलिटी पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। तो हमने ये भी सुना है कि कई जगह पे पार्टी पॉलिटिक्स भी होती है लोकेलिटी में। एक पार्टी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ने की कोशिश करती है। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियाँ, डिफरेंट डिफरेंट लीडर एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। पार्टियाँ और कैंडिडेट गलत इस्तेमालों का तरीकों का इस्तेमाल करते हैं टिकट लेने के लिए, ठीक है। और सम भी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रेशर डाला जाता है, दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। कि ये जो प्रेशर होता है, जो इलेक्टोरल फाइट इलेक्शंस के टाइम पे जो लड़ाई होती है, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म पॉलिसियां भी नहीं बन पाती। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत सारी डीमेरिट्स हैं इलेक्शंस करवाने की। लोग आपस में लड़ते हैं, डिसयूनिटी हो जाती है, लोकेलिटियाँ आपस में बट जाती हैं, कई बार तो इतने गंदे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, मारकुटाई भी हो जाती है, वायलेंस भी हो जाती है। कितनी ज़्यादा कमियाँ हैं, फिर भी हम इलेक्शंस करवाते हैं क्यों? तो सुनो, लेट मी शेयर द हु मे विश टू सर्व द कंट्री। और इसकी जो लोग सच्ची में चाहते हैं कि देश का भला करें, देश के लोगों की सेवा करें, वो इससे दूर ही रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस कंपटीशन में आना ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बातें पता थी। ये ना सोचो कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे थे उन्हें पता नहीं था कि जब इलेक्शंस होंगे तो ये सब कुछ होगा। एक दूसरे पे बयानबाजी भी होगी, एलिगेशंस भी लगेंगे, उन्हें सब कुछ पता था। फिर